एक जोड़ा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। किसी वजह से उनकी खुशियाँ जाती रहीं। तभी उन्होंने सुना कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जो लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। वे दोनों उनके पास गए। महात्मा ने कहा कि तुम विश्व भ्रमण पर जाओ और पूरी तरह से खुश पुरुष व महिला का कोई जोड़ा ढूंढ कर लाओ। अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके कपड़े का एक हिस्सा ले आना और उसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह जाकर उन्हें पता चला कि राजपाल और उनकी पत्नी सबसे ज़्यादा खुश हैं। वे उनके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ हाल में हम खुश हैं, बस हमारे कोई संतान नहीं है। यह सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। एक जगह पहुंचकर पता चला कि वहां सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला जोड़ा रहता है। वे दोनों उनके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रहते हैं? उस जोड़े ने जवाब दिया, हाँ हम खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कारण हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वह दोनों वहाँ से निराश होकर चल दिए। चलते चलते वह रेगिस्तान पहुँच गए। वहाँ एक गडरिया भेड़े चरा रहा था। दूर से उसकी पत्नी और बेटी खाना लेकर आए। वह तीनों मिलकर खाना खाने लगे। यह देखकर उन्होंने गडरिये से भी वही सवाल पूछा। गडरिये ने माना कि वह सबसे ज़्यादा खुश है। उन दोनों ने अपनी उसकी शर्ट का एक टुकड़ा मांगा। गडरिये ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास एक ही शर्ट है। हताश होकर वे दोनों महात्मा के पास लौट आए, उन्हें अपने अनुभव बताए। महात्मा ने कहा कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह खुश नहीं है। अगर खुशी ढूंढनी है तो बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।